नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पे डेली MCQs की सीरीज़ लेके आते हैं, जिसमें सभी ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं और उसको आंसर्स को मार्क करने के साथ साथ हम अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, जिससे आने वाली लेखपाल की परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, जिसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और वो प्रैक्टिस हमें डेली करनी होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन हमें ये प्रैक्टिस डेली करनी है। तो इसी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए हम डेली आपके लिए लाते हैं MCQs की सीरीज़, जिसमें बहुत सभी टॉपिक्स और हर एक टॉपिक के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाते हैं आपके लिए। तो चलिए फिर आज की सीरीज़ शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आने वाले जो पिछले वीडियोज़ हैं, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और बहुत सारे टॉपिक्स हुए। इन सभी के वीडियोस जिसने ना देखे हो तो प्लेलिस्ट पे जाके जरूर वो सारे वीडियोस वॉच करिए और अपनी प्रैक्टिस करिए, जिससे आने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सके और किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं हो, क्योंकि ये जो 2022 है, ये नौकरी का साल है और इस साल नौकरी पाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज जो क्विज है वो हमारी हिंदी की होगी और हिंदी के विशेषण टॉपिक की होगी। इसमें हमारा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। क्लासेस की डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें सेलेक्शन मेंटर के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हमारे सभी क्लासेस की, सभी विषयों की वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर अपनी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए और परीक्षा की तैयारी को अपना लक्ष्य बनाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण का टॉपिक। विशेषण से हमारी परीक्षा में, जिस परीक्षा में हिंदी आती है, उस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 2 से 3 प्रश्न विशेषण के होते हैं, 2 से 3 प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें आपके स्क्रीन पे दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 1। ये पूछा है कि ये बताइए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। 4 ऑप्शंस हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। आपको 5 सेकेंड दिए जा रहे हैं, जिसमें जल्दी से बताइए कि क्या आंसर हो सकता है इसका, कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा? तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता। क्योंकि कभी कभी हमसे परिभाषा से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताइए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है। तो परिभाषा से हमसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे विशेषण। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब ये संज्ञा और सर्वनाम आए हैं, तो पिछले वीडियोस में हमने इनकी डीपली चर्चा की और MCQs सॉल्व किए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होते हैं संज्ञा और क्या होते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, जैसा कि हम लोग अकेडमिक में भी पढ़ते आते हैं। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन में हमसे जो संज्ञा के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ अलग तरह से पूछे जाते हैं, और ये सभी MCQs सभी संज्ञा के रिलेटेड MCQs हमने वीडियोस में देखे हैं। तो प्लीज़, जिसने भी पिछले वीडियोस ना देखे हो, प्लेलिस्ट पे जाके पिछले वीडियोस देखिए और अपने संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक को कंप्लीट करिए। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है, इसमें जो अगला पार्ट है वो सर्वनाम का है कि सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा के स्थान पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के, किसके, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले,
प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब यहाँ पे सर्वनाम आया है तो जरा इनके भेद भी देख लेते हैं कि कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के। जल्दी से बताइए, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और आपको यहाँ ये भी बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जल्दी से बताइए कि संज्ञा के भी कितने भेद होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद हमसे पूछे जाएं, किसके? संज्ञा के। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब यही हमसे सर्वनाम पूछा जाए तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से 6 भेद हैं ये सब हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ पिछली वीडियोस देखिए जिसने नहीं देखी हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमसे क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो विशेषण तो हमने पढ़ लिया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहां हमसे दूसरा प्रश्न पूछा है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, क्रिया विशेषण, विशेषण, विशेष या फिर शब्द। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं, उसे हम विशेष कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। आगे आने वाले प्रश्नों में हम इनके उदाहरण देखेंगे और पता करेंगे क्या होते हैं विशेषण और क्या होते हैं विशेष। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए या जिस शब्द की बात की जाए वो क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विशेष कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जब प्रश्न आता है कि संज्ञा के भेद बताइए, संज्ञा के भेद बताइए, सर्वनाम के भेद बताइए, विशेषण के भेद बताइए, क्रिया के भेद बताइए, तो पिछले 3 वीडियोस में हम ये सभी टॉपिक देख चुके हैं जिसमें हम संज्ञा के, सर्वनाम के और क्रिया के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं विशेषण की। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं पहले आपको उत्तर देना है कि ऑप्शंस दिए गए हैं आपके 1, 2, 3 या 4, 1, 2, 3 या 4 कितने भेद होते हैं विशेषण के। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं साथियों? 4 भेद होते हैं, कुल 4 भेद होते हैं। किसके? विशेषण के। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। आगे आने वाले प्रश्न में हम देखेंगे कौन कौन से 4 भेद होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विशेषण के भेद कितने होते हैं तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, कुल 4 भेद होते हैं। अब इसी तरह का यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि संज्ञा के कितने? 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने? 6 भेद होते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियोस को लाइक शेयर करिए जिससे ऐसे ही अच्छे से अच्छे MCQs की सीरीज आपके लिए डेली लाई जा सके। अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? ए, ऑप्शन ए आपको दिया है कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण और डी व्यक्तिवाचक विशेषण। जल्दी से बताइए, इनमें से एक विशेषण का भेद नहीं है, विशेषण का भेद नहीं है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब यहां पर हमसे पूछा है कि कौन सा विशेषण का भेद नहीं होगा। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा कि विशेषण के जो कुल भेद होते हैं, कितने कुल भेद जो होते हैं वो कुल भेद 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं।
चार भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है, पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि आपको ऑप्शंस में दिया भी गया है, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर जो आपको चौथा दिया गया है व्यक्तिवाचक विशेषण, ये आपका कोई भी विशेषण नहीं होता है, ये कोई भी विशेषण, क्योंकि व्यक्तिवाचक जो होती है वो हमारी संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक विशेषण कुछ नहीं। और यहाँ पर जो चौथा विशेषण होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक। और जैसा कि हमें सार्वनामिक नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सर्वनाम शब्दों की बात होगी। किसकी होगी? सर्वनाम शब्दों की बात होगी। तो कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये सार्वनामिक का दूसरा नाम बताइए, या सार्वनामिक विशेषण को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? संकेतवाचक, कोई अलग भेद नहीं है, ये सार्वनामिक का ही दूसरा नाम माना जाता है, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आशा है आप समझ पा रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका चौथे क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक विशेषण कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इसमें तीन सही है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और जो चौथा हमने देखा वो होता है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें पूछा है आपसे। इस नहीं पे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नहीं जब भी आता है क्वेश्चन को गलत करवाता है, तो हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विशेषण क्या कहलाते हैं, विशेषण क्या कहलाते हैं, मतलब इनमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। विशेषण पर्यायवाची शब्द होते हैं, विशेष्य होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जल्दी से बताइए, 5 सेकेंड दे रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस पे, इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा भी था कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमसे डायरेक्टली पूछा गया है, शब्द दे के परिभाषा पूछी गई है जिसमें विशेषण क्या होते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन दिए हैं, विशेषण, विशेष, वाक्य या क्रिया, क्या कहलाते हैं? तो क्रिया तो नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों को पहले ही, क्योंकि क्रिया जो है वो एक अलग टॉपिक है, तो क्रिया तो नहीं हो सकता। तीन ऑप्शंस में बताइए क्या हो सकता है। तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिन शब्दों की, जैसे काला घोड़ा, क्या? काला घोड़ा। तो घोड़ा कैसा है? काला। विशेषण क्या हो जाएगा? काला। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो काला है वो कौन सा विशेषण है, तो काला, गोरा, नीला, हरा, पीला, ये सभी होते हैं रंग। और कौन सा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। लेकिन कभी कभी आपसे और थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है कि गुणवाचक में भी कौन सा, तो गुणवाचक में रंगबोधक विशेषण। कौन सा? रंगबोधक गुणवाचक। कौन सा? रंगबोधक गुणवाचक विशेषण। और विशेषता बताई किसकी जा रही है? घोड़े की। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? हमारा विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष, मतलब जिसकी बात की जा रही हो। आशा है समझ पा रहे होंगे आप। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे पूछा था विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष। देखते हैं अगला प्रश्न
क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। ए थोड़ा बहुत, बी एक पांच, सी अगला पिछला, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, संख्यावाचक विशेषण की, और संख्या से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी संख्या मतलब कोई भी डिजिट दी जाएगी। तो कौन सी संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या ए में तो नहीं है, लेकिन बी जो ऑप्शन है वो एक और पाँच, मतलब डायरेक्टली हमसे एक और पाँच संख्याओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भैया बताइए संख्यावाचक विशेषण तो है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में कौन सा संख्यावाचक, तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कौन से, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, क्या होता है, जिसमें निश्चित मतलब संख्याएं निश्चित दी हुई हों, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक, कौन सा, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें जो एक पांच है वो निश्चित संख्यावाचक है, क्या है, निश्चित संख्यावाचक होंगी, निश्चित संख्यावाचक होंगी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इतिहास एक शब्द दिया गया है आपको, इतिहास शब्द का आपको विशेषण बनाना है, क्या बनाना है, विशेषण बनाना है, जिसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा सही होगा। इतिहास से बनेगा ऐतिहासिक, या फिर इतिहास, या ऐतिहासिक, या इतिहासात्मक, कौन सा है जो इतिहास शब्द से बनने वाला विशेषण होगा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें इतिहास से बनने वाला जो विशेषण है वो होगा ऐतिहासिक, कौन सा होगा, ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इतिहास शब्द से बनने वाला विशेषण ऐतिहासिक, और कभी कभी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो ऐतिहासिक शब्द है, ऐतिहासिक शब्द है, इस ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय क्या है, क्या पूछा जाता है कि प्रत्यय क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतिहास से बना है, तो इतिहास प्लस एक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय, और मिलकर बन गया ऐतिहासिक, क्या बन गया, ऐतिहासिक। जैसा कि हम सभी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को उपसर्ग प्रत्यय भी, उसमें एक टॉपिक है उसको भी हम कवर करेंगे, यहाँ पर ये प्रश्न आया इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया कि इतिहास से बनने वाला जो विशेषण है वो कौन सा होगा, ऐतिहासिक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि अब वे गरीब नहीं रहे, इसका मतलब अब कैसे हो गए हैं, रईस हो गए हैं, कैसे रिच हो गए हैं, अब वे गरीब नहीं रहे। इसे पूछा है कि रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताइए, रेखांकित अंश के, रेखांकित जो है वो आपका गरीब है, और गरीब में कौन सा विशेषण हो सकता है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, या फिर डी सार्वनामिक विशेषण, कौन सा है जो ये गरीब शब्द का विशेषण, जो गरीब जो है वो किस विशेषण में जाएगा, विशेषण का कौन सा भेद इसमें बिल्कुल सही होगा। जल्दी से बताइए, तो ये जो गरीब शब्द है, कौन सा गरीब शब्द है, ये हमसे बात की जा रही है, अमीरी गरीबी, जब भी ये शब्द आए, क्या अमीरी, अमीरी गरीबी या गरीब, ये सभी शब्द किसके होते हैं, इसमें किसी संख्या की बात तो नहीं की जा रही है, परिमाण भी नहीं बताया जा रहा है, और ना ही यहाँ पर कोई सर्वनाम शब्द है, तो ये कौन सा है, गुणवाचक, जैसा कि हमने पीछे कभी इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और पिछले क्वेश्चन में देखा कि गुणवाचक भी अगर काला गोरा हरा नीला पीला ये सब रंग दिए गए हों तो ये रंग बोधक गुणवाचक होता है, कौन सा, रंग बोधक गुणवाचक होता है। लेकिन यहाँ पर गरीब, अमीर, बूढ़ा, बुढ़ापा, ये सभी दशाएं होती हैं, क्या होती हैं, दशाएं, तो यहाँ पर होता है दशाबोधक, अगर आपसे गुणवाचक में भी पूछा जाए तो कौन सा, दशाबोधक गुणवाचक विशेषण, कौन सा, दशाबोधक गुणवाचक विशेषण। अगले आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कुछ लड़के जा चुके हैं, कुछ लड़के जा चुके हैं, रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताइए, कुछ लड़के जा चुके हैं, रेखांकित अंश के
के विशेषण का भेद बताइए, कौन सा विशेषण होगा? संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण? जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ लड़के जा चुके हैं, कुछ लड़के जा चुके हैं। अब कुछ की बात हो रही है, हमें पता नहीं है कि कितने लड़के जा चुके हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन जो लड़के हैं क्या हैं, लड़के हैं, उनको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन तो सकते हैं, मतलब ये सभी क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। और ऐसी चीज़ें जो काउंटेबल होती हैं वो कभी भी परिमाण में नहीं आती हैं, क्योंकि परिमाण में हमेशा नाप तौल आता है। क्या आता है? नाप तौल आता है। लेकिन संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होती हैं, वो हमेशा संख्या में आती हैं। सार्वनामिक, सर्वनाम का कोई शब्द नहीं है तो सार्वनामिक भी नहीं होगा। संकेत की बात नहीं की गई है क्योंकि सार्वनामिक के ही दूसरा नाम हम लोग संकेत को पढ़ते हैं, अर्थात यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। लेकिन अभी हमने पीछे प्रश्न में देखा कि संख्यावाचक का कौन सा भेद, तो निश्चित या अनिश्चित। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या पता नहीं है कि कितने लड़के हैं, इसलिए अनिश्चित होगा। क्या? अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन हमसे अनिश्चित तो नहीं पूछा है, सिर्फ हम किस पे मार्क कर देंगे? अनिश्चित। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका, कि ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक है। अगर हमसे संख्यावाचक में अनिश्चित होता तो फिर अनिश्चित पे ही मार्क करते, अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान रखिए, परिमाण में हमेशा अनकाउंटेबल थिंग्स आती हैं। क्या आती हैं? अनकाउंटेबल, जैसे दूध, तेल, पानी, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? नाप तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? कौन सा गुणवाचक विशेषण का बिल्कुल सही उदाहरण दिया गया है? गोरा व्यक्ति, 10 रुपए, 2 मन अनाज या यह कार? जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि काला, गोरा, हरा, लाल, पीला, नीला, मतलब कोई भी रंग दिया गया हो तो ये गुणवाचक ही होता है। लेकिन गुणवाचक इस तरह से काला, गोरा, ये भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। ईमानदार, बेईमान, ये भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो अब इसमें कौन सा दिया गया है? गोरा व्यक्ति, तो गोरा भी क्या है? एक गुण है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है, गोरा व्यक्ति। लेकिन गुणवाचक में कौन सा रंग, कौन सा रंग बोधक गुणवाचक, कौन सा गुणवाचक? रंग बोधक गुणवाचक होगा, रंग बोधक गुणवाचक होगा। 10 रुपए निश्चित संख्यावाचक, 2 मन अनाज किसमें आएगा? अनाज को गिनते नहीं है, नापते तोलते हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि 2 मन करेक्ट संख्या दी है कि 2 मन ही है, 2 मन से कम भी नहीं और 2 मन से ज्यादा भी नहीं। यह शब्द आ रहा है और यह शब्द किसका होता है? सर्वनाम का होता है। किसका होता है? सर्वनाम का। तो यहां पर होगा सार्वनामिक, और सार्वनामिक का दूसरा नाम संकेतवाचक। कौन सा? संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इस कक्षा में 40 छात्र हैं, इस कक्षा में 40 छात्र हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर 40 कोई गुण नहीं है, 40 कोई भी गुण नहीं है, 40 जो है उसे हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होता है, इसलिए अनकाउंटेबल में इसकी कोई जगह नहीं है। फिर आ जाता है संख्यावाचक, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्योंकि यह संख्यावाचक है, और संख्यावाचक में भी कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक है। कौन सा है? निश्चित, क्योंकि 40 जो है वो निश्चित संख्या है कि 40 ही छात्र हैं, ना 40 से कम है और ना 40 से ज्यादा है।
आशा है समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से संकेतवाचक विशेषण कौन सा होगा। अब संकेतवाचक कहीं पर भी नाम आ जाए तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये संकेतवाचक ही किसका दूसरा नाम होता है, सार्वनामिक का। किसका दूसरा नाम होता है, सार्वनामिक विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण का। तो कहां पर ऐसा कौन सा उदाहरण है इनमें से जिसमें सर्वनाम की बात की गई है, वह मकान, 10 किलो गेहूं, 20 लड़के या पंजाबी। पंजाबी, जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें पूछा है कि सार्वनामिक विशेषण मतलब संकेतवाचक विशेषण संकेत करते हैं ना कि यह घर, यह किताब, यह पेन, ये सब किसका है, संकेत हो रहा है, इसलिए इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। और वह मकान, यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, क्या होगा, वह मकान किसका है, वह मकान, तो इशारा कर रहे हैं ना कि जो वो सुंदर सा मकान देख रहे हो वही किसका है, मेरा। तो वह मकान किसका है, मेरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, वह मकान किसका है, मेरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक, परिमाण जब भी आता है तो बस किसकी बात आती है, नाप या तौल की। किसकी आती है, नाप या तौल की बात आती है। तो नाप तौल ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसे हम नाप तौल सकते हैं, 10 लीटर तेल, 20 गाय, बंगाली या घर। जल्दी से बताइए कि इसमें नाप तौल की बात किसमें की जा रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेल जो है वो कभी भी काउंटेबल नहीं होता है, मतलब गिन नहीं सकते हैं, तो गिन नहीं सकते इसका मतलब ये किसमें आता है, परिमाण में आता है। किसमें, अब जैसा कि संख्यावाचक में भी क्या होते हैं, दो, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक, इस तरह से परिमाण में भी कितने होते हैं, दो, एक निश्चित संख्या पर निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब 10 लीटर है, इसका मतलब कि 10 से कम भी नहीं है और 10 से ज़्यादा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, 10 लीटर तेल, ये क्या है, फिक्स है, इसका मतलब ये निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है, इसलिए 10 लीटर तेल ऑप्शन ए। ये निश्चित और अनिश्चित बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपसे डीपली पूछा जाता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होइए, लेकिन अगर परिमाण लिखा है तो आप डायरेक्टली परिमाण पर ही मार्क कर दीजिए। 10 लीटर तेल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सार्वनामिक विशेषण का इनमें से दूसरा नाम, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है। तो जैसा कि हमने बार बार चर्चा किया और पिछले क्वेश्चन पढ़ा कि सार्वनाम मतलब सर्वनाम शब्द हैं और जिससे हम संकेत कर रहे हैं, यह घर या सुंदर सी कार व सुंदर सा बंगला, ये सब संकेत कर रहे हो, तो संकेत जो है वो किसका होता है, सार्वनामिक। तो सार्वनामिक का दूसरा नाम हम लोग संकेत, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सार्वनामिक को हम लोग संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग रूप के बारे में बताते हैं, वे कौन से विशेषण होते हैं, वे कौन से। जैसा कि हमने देखा कि गुण दोष, गुण में क्या आएंगे, ईमानदार, बेईमान, ये सब क्या है, गुण हैं। फिर दोष, बेईमान, ये क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। इस तरह से रंग, रंग हरा पीला लाल नीला काला, ये सब क्या होते हैं, रंग होते हैं। रूप, रूप कैसा, गोरा काला, ये सब क्या होते हैं, रूप होते हैं। तो जब भी इन सब की बात होती है तो ये सभी किस में आते हैं, गुण में आते हैं, ये सभी किस में आते हैं, गुण में। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका इसमें, कि जो गुण दोष या रंग रूप की बात की जाए तो वो किस में आते हैं, गुण में आते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है कि इस गिलास में थोड़ा जूस है, इस गिलास में थोड़ा जूस है, रेखांकित शब्द में विशेषण का भेद बताइए। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण, थोड़ा, ज़्यादा, इन सभी की बात की जाए। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा।
तो इसमें ध्यान रखिए कि जो जूस है वो गिना नहीं जाता है, वो परिमाणवाचक है। और कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक का हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हम किस पे मांग करेंगे? परिमाण पे। किस पे? परिमाण पे, थोड़ा ज़्यादा। लेकिन जूस क्या है? ये संख्यावाचक नहीं है। कौन सा है? ये अनकाउंटेबल है, तो इसलिए परिमाणवाचक में जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि पुस्तक शब्द में गुणवाचक विशेषण कौन सा बनेगा? पुस्तक शब्द में गुणवाचक, पुस्तकीय, पुस्तके, पुस्तकालय या पुस्तकों? तो पुस्तकें जैसा कि इसका बहुवचन होता है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? विशेषण पूछा है। और गुणवाचक विशेषण क्या होगा? पुस्तकी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पुस्तक शब्द से बनने वाला गुणवाचक पुस्तकीय होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि मदन काली टोपी पहनकर खेलने आया है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? मतलब विशेषण शब्द पूछा है आपसे कि इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा होगा, काली टोपी, मदन या खेलने। तो जैसा कि हमने पिछले भी देखा कि जब भी हमसे रंगों की बात की जा रही हो, तो ये सभी रंग रूप ये सब किस में आते हैं? गुण में आते हैं। तो काली क्या हो जाएगी? काली क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। और टोपी हमारी हो जाएगी विशेष, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? टोपी की। और जिसकी भी बात की जाती है वही क्या होते हैं? विशेष होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जवाब शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? जवाब शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो जवाब शब्द से बनने वाला शब्द जो विशेषण होगा वो होगा जवाबी। क्या होगा? जवाबी, जिसे हम लोग जवाबी से एक शब्द भी बनता है कि हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी। तो जवाब शब्द से जो विशेषण बनता है वो बनता है जवाबी। तो आशा है आज की एमसीक्यू सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे डेली आपके लिए इसी तरह अच्छी से अच्छी एमसीक्यू सीरीज लाई जा सके और आपकी परीक्षा की तैयारी सही ढंग से कराई जा सके। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हमारी क्लासेस की ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस की डिटेल्स के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या मैसेज करें। थैंक यू।